अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास 2019 से पेपर थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में सबसे पहले हमने कंस्टेंट से दूसरी साइड पर ले जाना होता है। तो यहाँ पर कंस्टेंट हमारे पास माइनस है, उस साइड पर जाता तो प्लस ए बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है हमारे पास वो वन होना चाहिए। यहाँ पे ए है हमारे पास, तो हम पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स, ए बाय ए फोर बाय ए एक्स प्लस ए बाय ए। सो यहाँ से ए कैंसिल, यहाँ से भी ए कैंसिल, या ज़्यादा एथ स्क्वायर प्लस फोर बाई एथ इज इक्वल टू वन। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो एथ का होता है ना, एथ का जो कांस्टेंट या वेरिएबल जीवन होता है, उससे हमने वन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और उससे स्क्वायर लेना होता है। सो वन बाई टू फोर बाई ए, इन दोनों से आपको मल्टीप्लाई करना है और उससे स्क्वायर लेना है। तो ये आ जाता है हमारे पास टू बाई ए होल स्क्वायर। तो अब ये जो चीज़ है हमारे पास, इससे हमने इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे ऐड कर लेना है। ऐड टू बाई ए होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो ये आ जाता है एथ स्क्वायर प्लस फोर बाई ए एथ प्लस टू बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई ए होल स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायर बनाने से करते हैं तो बनता है, तो एथ स्क्वायर प्लस टू इंटू एथ सी वैल्यू हमारे पास ये है और बी सी वैल्यू हमारे पास ये है। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। इससे हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू ए थी है, ये बी सी वैल्यू है, ये टू ए बी है। सो इस पूरे से हम स्क्वायर ले सकते हैं, एच प्लस टू बाय होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एल सी एम ले लेते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास वन है, वन तो अगर हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ए स्क्वायर बनते हैं, इसलिए ऊपर वाली चीज़ों पर हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस फोर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आ जाए इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एच प्लस टू बाय ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस फोर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से कैंसिल, तो वापस से इधर आ जाता हमारे पास एच प्लस टू बाय, यहाँ पे आ जाता हमारे पास प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस एच बाय ए। तो हम यहाँ पे एच यहीं पे रहने देते हैं और ये वाली चीज़ दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये माइनस टू बाई ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर बाय ए। सो ये आ जाता है हमारे पास माइनस टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर एच। सो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर बाय ए, और ये ही हमारे पास आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल। तो अब हमने इसके रूट्स इक्वल हैं, हमने तेजी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे ए थी वैल्यू हमारे पास है टू थे माइनस वन, बी थी वैल्यू है थ्री थे और सी थी वैल्यू है थ्री। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, ये हमारे पास बी स्क्वायर थ्री थे होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू थ्री माइनस वन सी इज थ्री। तो उन्होंने हमें बताया था रूट्स इक्वल हैं, यानी हम डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो से इक्वल कह सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, नाइन से स्क्वायर माइनस फोर इंटू इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिक्स से माइनस थ्री ट्वेंटी फोर से प्लस ट्वेल्व
ये पूरी सेशन हमारे पास 3 से डिवाइड होती है, तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं बाय 3। फिर हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाता है। इसे 3 से करें डिवाइड तो हमारे पास 3 बचता है, 3 3 9 होता है, 3 8 24 होता है और 3 4 12 होता है। सो अब हम इसकी मिड टर्म रेटिंग कर लेते हैं। 3 4 12 होता है और अगर हम 6 2 करें वो भी 12 होता है, -6 -2 करें तो हमारे पास -8 होता है। थ्री से तो हमें ले लेते हैं पीछे बच जाएगा 3 -2, यहाँ से हम -2 तो हमें ले लेते हैं पीछे बच जाएगा 3 -2, तो यहाँ से हम 3 -2 तो हमें ले लें तो पीछे बच जाएगा 3 3 -2। 0 3 वाला भी सेपरेट कर लेते हैं, 3 -2 = 0 एंड 3 3 -2 = 0। सो ये आ जाता हमारे पास उस साइड पे जाने के बाद 2 3 = 2 और ये आ जाता +2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाते डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी, 8 3 = 2 और दूसरी 3 = 2/3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। सो पहले हमने इक्वेशन से इन दो रूट्स को फाइंड करना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके बाद हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे रूट्स नहीं होंगे, तो आज इसे सॉल्व कर लेते हैं। इससे रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा हैं, तो हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ए थ्री वैल्यू 2 है, बी थ्री वैल्यू -3 है और सी थ्री वैल्यू -5 है। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो 3/2 से चला जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास c/a होता है। सो ये आ जाता है हमारे पास -5/2 तीसरा। हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स हमारे पास होंगे 2α+1 और 2β+1। तब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा। (2α+2β) ये सारे ऐड ही हो रहे हैं आप, ये 1 और 1 यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 तो हमारे लिए पीछे α+β बच जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास है 3/2। 3+2 = 5, यानी हमारे पास जो जीवन रूट्स हैं उसका सम हमारे पास 5 से इतना ला दे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2α+1 × 2β+1, इन दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 2α (2×2) = 4α(β) + 2α (2β+1। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो पीछे α+β ही बच जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, α/β की वैल्यू हमारे पास है -5/2, α+β की वैल्यू हमारे पास 3/2। 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2 × −5 −10 +3 + 1 ये -6 आ गया। सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास आया है 5 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आया है -6। तो हम अपनी सॉल्यूशन ले लेते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू 5 आई है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू हमारे पास -6 आई है, = 0। सो ये हमारे पास रिजल्ट इक्वेशन है और ये आते हैं हमारे पास आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड LM एंड इफ x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलीनोमियल दिस। तो इससे सिंथेटिक डिवीजन सब हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास पॉलीनोमियल की पावर हमने देखनी होती है, यहाँ पे x³ है, फिर x² है, फिर हमारे पास x है और यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पावर मिसिंग होती तो सीधा हम 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं -1 और +1, तो इसे अगर हम 0 टिचल दें तो ये आ जाता हमारे पास 1 और इसे 0 टिचल दें तो
ये आ जाता माइनस वन। तो सबसे पहले हम वन वाला पुट करेंगे, वन वाले से 13 डिवीजन करेंगे पहले वाला इसी तरह, फिर वन वन जर वन, थ्री एल प्लस वन, वन इंटू थ्री एल प्लस वन, ये आ जाता हमारे पास थ्री एल प्लस एम प्लस वन, वन इंटू दिस वापस से ये आ जाएगा वन और माइनस वन आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री एल प्लस एम। तो पहले हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा थ्री एल प्लस एम, ये हमने जीरो से चल इसलिए दिया क्योंकि ये देख सकते हैं आप हमारे पास ये कॉन्स्टेंट होता है, यानी इसके साथ हमारे पास एथ सो नहीं है, एथ्स पावर जीरो हमारे पास कॉन्स्टेंट बनता है, इसलिए हमने इसे जीरो से चल दिया। ये हमारे पास पहली इटरेशन आ गई। अब हम वापस से ये वाली इटरेशन सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं, वो भी अब हमारे पास माइनस वन फैक्टर होगा। पहले वाला एज इट इज, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन आ जाता थ्री एल माइनस वन इंटू दिस, तो ये आ जाता हमारे पास वन माइनस थ्री एल, ये आ जाता हमारे पास माइनस थ्री एल प्लस एम प्लस वन, अब माइनस वन तो इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आ जाता थ्री एल माइनस एम माइनस वन, तो ये आ जाता हमारे पास थ्री एल माइनस एम माइनस टू। तो ये अभी हमारे पास दूसरा रिमाइंडर आ गया और ये भी जीरो था इक्वल है। अब हम दोनों इटरेशंस तो ऐड कर लेते हैं, ऐड वन एंड टू, थ्री एल प्लस एम इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एल माइनस एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस माइनस सिक्स एल माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू साइड पर जाएगा तो प्लस टू बन जाएगा, सिक्स उधर जा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू वन बाई थ्री। अब हम ये जो हमारे पास पहला रिमाइंडर है पहली इटरेशन, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं एल सी, थ्री एल प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, एल सी वैल्यू वन बाई थ्री हमारे पास आई है, वन प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, प्लस वन और साइड पर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, तो ये हमारे पास एम सी वैल्यू भी आ गई। एल सी वैल्यू हमारे पास वन बाई थ्री है और एम सी वैल्यू हमारे पास माइनस वन, और ये हमने फाइंड कर लिया दोनों वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव ट्रांजेक्टिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। तो अब हम नंबर फाइंड कर लेते हैं। सो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो नंबर्स ट्रांजेक्टिव हैं एच और एच प्लस वन है, हमारे पास कंडीशन दी है प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांजेक्टिव नंबर्स, यानी दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182, फाइंड द नंबर करना हमने। तो एच इंटू एच एच देयर, एच इंटू वन एच, ये यहाँ पे हमारे पास प्लस में इस साइड पे आ रहा था तो माइनस में आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाय 182 ही आता है, तो हम 14 तो 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आता है, और हम प्लस 14 माइनस 13 करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये से दो फैक्टर्स बने हैं। एथ्स कॉमन ले लेते हैं पीछे बच जाएगा एथ्स प्लस 14, और माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं पीछे बच जाएगा एथ्स प्लस 14 इक्वल टू जीरो, एथ्स प्लस 14 कॉमन ले लेते हैं पीछे बच जाएगा एथ्स माइनस 13, इन दोनों तो जीरो तो इक्वल दे देते हैं बारी बारी, प्लस में उस साइड में जाते माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में उस साइड पर जाते प्लस में आ जाएगा। सो हम माइनस वाले तो इग्नोर कर देंगे, हमारे पास अगर एच 13 है तो एच प्लस वन, 13 प्लस वन 14 आ जाएगा, यानी 13 और 14 हमारे पास टू ट्रांजेक्टिव नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इट्स फाइंड एच इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, तो इस प्रोपोर्शन में से हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन है, अब यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 3/5 इंटू टू एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स माइनस 1/7, 7/7 से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 3 से कैंसिल, पीछे बाय जाता है 2x/5 इज इक्वल टू 3x माइनस 1/5, तो उस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं
या यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे हमारे पास दोनों साइडों पे 5 है तो 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास टू एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1। तो ये 3x उस साइड पे हम ले जाते हैं, माइनस एक्स माइनस 1, बहुत साइड पे हमारे पास माइनस है तो माइनस कैंसिल कर देते हैं, पीछे आ जाते हमारे पास एक्स इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, सॉल्व द इक्वेशन दिस। तब हमने इक्वेशन पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हमारे पास ये होता है, इसमें हमारे पास ये पूरी वैल्यू ए है और ये बी है, यहाँ पे हमारे पास सी और ये डी है, तो इस पर हम अप्लाई कर लेते हैं। एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 13 बाय 12 माइनस 13। सो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर 12 प्लस 13 25, 12 माइनस 13 माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस में भी और माइनस में भी है, नहीं ये दोनों प्लस में बल्कि एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस में भी और प्लस में भी, ये कैंसिल। और यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस में भी और प्लस में भी, ये भी कैंसिल। तो ये आ जाता हमारे पास टू इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर बाय माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस 25। टू टू से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, ये हमारे पास है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर बाय एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस फोर प्लस माइनस फाइव। तो ये दफा हम प्लस में लिख के सॉल्व कर लेते हैं और ये दफा माइनस में। ये डिवाइड में इधर जाता तो मल्टीप्लाई में आ जाता। एक्स माइनस टू फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स फाइव इंटू फोर 20। सो हम एक्स वाले एट साइड पे कर लेते हैं और कंस्टेंट एट साइड पे। सो ये आ जाता हमारे पास माइनस फोर एक्स और ये आ जाता हमारे पास माइनस 18। माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल, यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई और इधर आते डिवाइड में आ जाता। टू टू ज़र फोर टू नाइन ज़र 18, सो 9 बाई 2। और अब हम माइनस वाला सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस टू डिवाइड में उस साइड पर जाते मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस फाइव एक्स प्लस 20। एट साइड पर कर लेते हैं एक्स और एट साइड पर कॉन्स्टेंट, सिक्स एक्स इक्वल टू 22। टू थ्री जर सिक्स टू इलेवन 22, सो इलेवन ये बाय 3 हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाती है।
एथ वैल्यू 9/2 है और दूसरी 11/3 है। सब नेक्स्ट टाइम हमारे पास द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेयर इज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर एंड एस इज इक्वल टू 16π व्हेन आर इज इक्वल टू 2 फाइंड आर व्हेन एस इज इक्वल टू 36π। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से। हम जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा साथ। यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं 16π 16 = π 4 3। सो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर आ जाता डिवाइड में आ जाता 4 × 4 = 16 4π = 3। सो 33 वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। और इस वैल्यू से हम इस वाली सिचुएशन में पुट कर लेते हैं तो ये आ जाता 4π r². अब हमने फाइंड करनी है r की वैल्यू। जब हमारे पास एक्स 36π होता तो उससे लिए हम ये वाली जो लास्ट में सिचुएशन ली थी ये वाली लेने चाहिए। तो हमने r फाइंड करना है जब हमारे पास s की वैल्यू हो। तो हमने 33 वैल्यू भी पुट कर देनी ताकि हमारे पास पूरी सिंप्लीफाई वैल्यू आ जाए। सो एक्स इज इक्वल टू 4π r², ऐसे हमारे पास 36π, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस साइड पे जाते डिवाइड में आ जाएंगे पाई पाई से कैंसिल 4 × 4 = 4 × 9 = 36। तो बोथ साइड पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट 9 = r² स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल जी आ जाता है हमारे पास 3। सो r की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है हमारे पास रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं x-1 होल स्क्वायर / x-2 इक्वल टू a/x-1 + b/x-1 होल स्क्वायर + c/x-2। और जिसे हम इक्वेशन 1 तो नाम दे देते हैं क्योंकि लास्ट में हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं। आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन तो x-1 होल स्क्वायर / x-2 से। तो इस वाले साथ मल्टीप्लाई होता तो पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा। जब ये सारी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ से x-1 और x-2 बचेगा। जब ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होता तो हमारे पास x-2 बच जाएगा। और जब हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होता तो x-1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसे अब 2 का नाम दे देते हैं और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं x² - 3x + 2। सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई थी है और इसे स्क्वायर ओपन दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अब हम इसे इटरेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। सो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं x-1 और x-2। बारी बारी इसमें से हम वैल्यू निकालते इटरेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास इटरेशन आई है सो x-1 = 0 जो बन जाता है x = 1 पुट इन 2। तो ये हमारे पास जो 2 इटरेशन है ना इसमें हम पुट कर लेते हैं 1 = 1 - 1 - 2 b × 1 - 2 + c × 1 - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 1 - 1 = 0 एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 वापस से 0 1 - 2 - 1 1 - 1 होल स्क्वायर 0 ही आता। तो ये आ जाता 1 = -b। सो हमें b की वैल्यू चाहिए तो माइनस दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो b = -1 आ जाएगा। अब हमें इक्वेशन 2 में अपना दूसरा फैक्टर पुट कर लेते हैं
So 1 a 2 minus 1, 2 minus 2, plus b into 2 minus 2, plus c into 2 minus 1 whole square. So you add the 1 is equal to 0, 2 minus 0, 0, any number multiply by 0, 0. So ये भी हमारे पास 2 minus 2, 0 जाएगा. 2 minus 1, 1, 1 प्लस तेरह हमारे पास 1 ही होता है, तो ये सी आ जाएगा. सो 1 is equal to c, c की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है. हमारे पास a और a की वैल्यू रह रही है, तो उसे अब हम फाइंड कर लेते हैं. हमारे पास दो ही फैक्टर्स थे जो हमने अप्लाई कर लिए, तो यहाँ से अब हम कंपेयर कर लेते हैं सफिशियंट्स. तो सो पहले हम एथ स्टेयर से सफिशियंट कंपेयर करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास. इस साइड पे हमारे पास कोई भी नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा. यहाँ पे एथ स्टेयर सफिशियंट ए है हमारे पास, कॉन्स्टेंट एथ स्टेयर के साथ ए है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास सी है. सो हमें यहाँ पे, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास 1 है. सो पुट कर लेते हैं, सी उस माइनस वन, इस ये जो प्लस माइनस साइड पे जाएगा तो माइनस वन बन जाएगा. सो ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस वन. तो हम पहली इटरेशन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ए की वैल्यू माइनस वन है, बी की वैल्यू भी हमारे पास माइनस वन है, सी की वैल्यू 1 है. सो माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, माइनस वन बाय एक्स माइनस वन ऑल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2. सो ये हमारे पास आंसर आ गया. सो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ यू इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई डैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. इसमें से पहले हम ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड कर लेंगे. 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 7 10. सो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास 1 और 7 बच जाएगा. उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए इंटरसेक्शन बी में से जो वैल्यू बची है वो माइनस करनी है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 and 7. सो 1 कैंसिल 7 कैंसिल, पीछे हमारे पास बच जाएगा 2 3 4 5 6 8 9 और 10. और ये आ रही हमारे पास वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट से. अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए, यू की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 9. 1 कैंसिल 3 कैंसिल 5 कैंसिल 7 कैंसिल 9 कैंसिल 4 6 8 10. बी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर लेते हैं. और ए की वैल्यू है हमारे पास बी की वैल्यू 4 7 10. सेम कैंसिल, बात जो हमारे पास यू में से वैल्यू बची थी हमने वो लिखनी है यहाँ पे. अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं. 2 4 6 8 10, 2 3 5 6 8 9, 2 3 4 5 6 8 9 10. और ये हमारे पास आ गई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू. तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू और हमारे पास ये वैल्यू बिल्कुल सेम है. तो हम ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी
होल सप्लीमेंट हमारे पास इस वाला है ए सप्लीमेंट यूनियन बी सप्लीमेंट से। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ए एंड बी इफ 2a प्लस 5 3 इज इक्वल टू 7 समा बी माइनस 4। तब हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, आपने करना था सिर्फ ये जो सम इस साइड वाली चीज़ है उसे इक्वल से जो दूसरी साइड पे है सेट उसमें से इसी साइड वाली चीज़ से इक्वल ले लेना। यानी यहाँ पे हम ऐसे करेंगे 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 7 और दूसरा हमने ले लेना है 3 इज इक्वल टू बी माइनस 4 इज इक्वल। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला सेट पे जाते डिवाइड में आ जाएगा, सो ए थी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे माइनस 4 है सेट पे जाता तो प्लस 4 हो जाएगा, सो बी थी वैल्यू आ जाती 7। सो ये हमारे पास ए और बी थी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन फॉलोइंग मार्क्स एंड 5 टेस्ट ऑफ मैथ्स फाइंड द मीडियन। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे मैंने सबसे पहले मैंने अरेंज कर लेने थे सब छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर बड़ी और सबसे लास्ट पे सबसे बड़ी और इसमें से फिर हमने मिडल लास्ट वैल्यू फाइंड कर लेनी। यानी यहाँ पे हमारे पास मिडल में ए थी वैल्यू आ रही तो ये हमारे पास मीडियन होता। और अगर हमारे पास दो वैल्यूज होती तो हम उस दो का सम ले लेते और डिवाइडेड बाई टू कर लेते। यहाँ पे ए थी वैल्यू है तो ये हमारे पास मीडियन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल ऑफ द एट द सेंटर इज 60 डिग्री। तो रेडियस हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, हमें रेडियन में चाहिए इसलिए हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये 60 ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 r² थीटा। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, r की वैल्यू हमारे पास 16 स्क्वायर बाय थीटा की वैल्यू। सो इसे हम सोल्व कर लेते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये हमारे पास 3 जो डिवाइजर में पड़ गया। तो इसे सोल्व करने से हमारे पास आ जाता है 134.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं हमने एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली है। लास्ट शॉट है हमारे पास वेरीफाई द आइडेंटिटी टेन थीटा प्लस 2 थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेन थीटा प्लस 2 थीटा इंटू टेन थीटा। अब इस टेन थीटा से पूरी साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा, टेन थीटा हमारे पास 1/2 थीटा से इक्वल होता है। सो ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा से इक्वल होता है। हैंस हमने ये वेरीफाई कर दिया है तो टेन थीटा प्लस 2 थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास सेक्शन सी है जिसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 हमारे पास थ्योरम है, 8 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और 8 चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। तो आप अपनी मर्जी होती है आप इनमें से कहीं से भी 3 पार्ट्स कर सकते हैं। तो थ्योरम और ज्योमेट्री इजी होती है वो आप खुद कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा देती हूँ जो ये हमारे पास सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। आप पोल आ फ्लैट पोल 17.9 मीटर हाई कास्ट आ 7 मीटर शेडो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमारे पास पोल की हाइट 17.9 मीटर है और इसकी जो हमारे पास शेडो है वो 7 मीटर है और जो सन से इसकी रिफ्लेक्शन इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है हमने सन से। यहाँ पे सपोज सन मौजूद है तो यहाँ पे हमने अल्फा फाइंड करना है। सो
ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो आपको तो पता है टेन जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस से इतना रहता है। तो यहाँ पे हम टेन अल्फा ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 17.9/7। डिवाइड करने से आ जाता है हमारे पास 2.55714। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए 10, उस साइड पर ले जाएंगे तो ये 10 इनवर्स बन जाएगा। इसे सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेटर पे तो ये आ जाता हमारे पास 68.666 डिग्री। तो अब हम इसमें 68 अलग कर लेंगे, 0.6666 डिग्री अलग कर लेंगे। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पीछे हमारे पास 666 आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे। यहाँ पे मिनट तो साइन लगा दें तो इसे सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 68 डिग्री 40 मिनट। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।